प्लेटफॉर्म की बात करें तो आज तक मेरे नहीं लगता कि कोई इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्यूरेसी सही ट्रांसपेरेंसी हो। हर एक जो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना सर, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, फिक्स जी जी है सारे। सही मैंने इतना मतलब एक्सपीरियंस है मेरा कि मान लीजिए गोल्ड पे आपने ट्रेड किया है, लाइक ठीक जी जी आपने बाय किया हुआ है, जी ठीक है 1 मिनट के टाइम के हिसाब से MT4 में बाय जाएगा। लेकिन अगर आपने वहां पे बाय किया हुआ, लेकिन वहां पे जैसे आपका 59 सेकंड होगा नीचे आएगा, आपका ऑर्डर लॉस होगा, आफ्टर देन नाल ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सही ऐसी बहुत सारी मेजर ऑल एप्स में यही है, ठीक है। तो हमारा तो जी आपके सामने है कि लेजर डिपार्टमेंट है ना, सारा कुछ ब्लॉकचेन पे है, तो बस सही थोड़ा सा टाइम चाहिए। बिल्कुल सही वन जैसे आने वाला फ्यूचर बढ़िया ही है, अभी हाँ इतना जी टाइम होल्ड किया, टाइम और होने में क्या जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जी, अभी हमारे कोई जो है दोस्तों ने ज्वाइन तो किया है लेकिन बात मेरा पर कोई नहीं करना चाहता, और मेरा ख्याल है ये इनफ होगा सेशन। इसके बाद हम दोबारा से वो अगला सेशन ही करेंगे आज का, क्योंकि तो फिर वो बात करने के लिए कोई नहीं होती लोगों के पास, फिर वो सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं बेचारे, बैठते रहते हैं। अभी तो मेरे ख्याल पार्टिसिपेंट हाँ जो लॉन्ग है, लोगों को जो है वो ज़्यादातर यही समझ रहे थे कि शायद ये कंपनी का वेबिनार है तो हमें यहाँ से कुछ अपडेट्स मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं था। उसकी भी मेरा ख्याल ज्वाइन नहीं किया लोगों ने, लोगों की जो है वो जी जी तवक्कुआत और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं अगर हम अपने पूरी कर। पवन जी सुन रहे हैं तो देखिए अनमोड करके अगर देते जी पवन भाई को हैं मैंने टाइम। अनम्यूट किया था लेकिन उन्होंने खुद से म्यूट कर लिया दोबारा, मैंने उनको दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ। वो मेरा बड़े भाई ख्याल हैं साहब, वो नहीं सर MT4 वो में लगे हैं। हाँ वो अरे यही यही उनका रीजन होता है, वो बेचारे जो ज्यादा काम जो है उनका उसके फॉरेक्स में बिजी होते हैं तो इसलिए वो अनम्यूट कर दे, वो अपना खुद ही म्यूट कर लेते हैं, सही सही वो सही अनम्यूट नहीं हो रहे हैं खुद से। तो मैं पूछूंगा ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। नहीं जी कोई इशू नहीं है, किसी को कोई रिप्लाई भी नहीं है, ये शायद से जी। संजीव भाई बोलिएगा, अनम्यूट है आप। माउट हो गया था, मैं कह रहा था कि एक बार अनम्यूट करके देख लीजिए सभी को, अगर किसी ने बात करना हो तो जी मैं आगे। अनम्यूट पवन कर जी सर कर दिया अनम्यूट ऑल। पवन सर, जी आपने साइन कर लिया है, मैसेज आया है लेकिन मुझे विंडो शो नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम कुछ कर रहा है क्या चीज़? हेलो राणा सर। हाँ जी। जी राणा सर, नहीं कुछ बातचीत। अच्छा जहाँ से हमारी डिस्कनेक्ट हुई थी, हाँ वो ही है जी सर। जी जी अच्छा नहीं ये वो नहीं है, ये संजीव भाई हैं, वो तो योगेश ठाकुर थे, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया दोबारा, बस अच्छा उनकी अच्छा बात सही उन्होंने हो निकालनी थी वो निकाल ली उन्होंने, कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। चले कोई मसले। हाँ तो भाई आप ये आपका क्वेश्चन क्या है, जरा मुझे क्वेश्चन बताएंगे फिर आंसर करता हूँ। इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, खुद लीडर हैं, सिर्फ जस्ट डिस्कशन चाह रहे तो हैं। फिर लीडर लीडर की तो शुवाएं खुद निकलती हैं, तो वो हमारी शुवाएं से, सर हमारी लीडर की शुवाओं शुआ, से कैसे? लीडर की शुआएं हैं तो थैंक आपने ज्वाइन कर लिया ना, देखें फौरन। यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। राज भाई, आप कहीं स्प्रे कर रहे हैं मच्छर मार या कोरोना के लिए कोई स्प्रे कर रहे हैं? जो आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्प्रे की ज्यादा आ रही है। जी जी
आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, दबंग आ रही है, बोलिए। दबंग है, जबरदस्त। बस मैं आया था छत पे तो अभी क्लिक करता हूं। एक भाई मुझसे लिंक मांग रहे थे, ये मैं सेंड कर रहा हूं। चले जी जी, दे दिया हुआ। और अभी आज कासिम भाई ने हैदरी ना हैदरी साहब के लिंक से ज्वाइन किया हुआ अकाउंट से या अपने अकाउंट से किया हुआ है? हाँ जी कासिम भाई, कहाँ पे हैं आप? ये अर्शद हुसैन के नाम से 5-10 लोग ही हैं भाई, कोई तकरीबन 5-10 लोग ही हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। 9 लोग हैं हमारे साथ, 9 लोग हैं, 9 लोग। ये 9 के 9 ही माशाल्लाह लीडर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शानी भाई, मोहम्मद बख्श राज पर बात कर रहा हूं। जी जी सर, आपको मैं एक एडवाइस करूंगा, जब भी ऐसी कोई मीटिंग ज्वाइन करें तो अपना नाम लिखा करें, ये C5 प्रो सर, किसी को क्या पता कि आप। हाँ हाँ, ये अच्छा शानी भाई, हम इसी वजह से नहीं बोल रहे कि जो आप साई सारे भाई बैठे हुए हैं, जो भी हमारे जहन में सवाल आते हैं ना, तो आप वैसे पहले ही हमें बता देते हैं, इसी वजह से हम वो जो खामोशी होकर सुनते हैं ना, तो यही वजह होती है। आप तो खामोश होकर सुनते हैं, लेकिन आपके बोलने से शायद किसी और का भी भला हो जाए, तो बोला करें, बात तो करनी पड़ती है। हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे भाई हमारे साथ हैं और ये दूसरे भाई जो बोल रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन जहन में थे वो पहले ही दोस्तों ने बता दिए ना, तो इसी वजह से हमने नहीं बोला। ठीक है ठीक, बड़ी मेहरबानी है आपको। खुश जी। ओके सर ओके, मैं जरा ये दोस्त कुछ पासवर्ड मांग रहे हैं, शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनको दे दूं। हाँ सर, आप पासवर्ड तो हमारे साथ हैदरी साहब ने ज्वाइन किया है, तो हैदरी साहब जरा काइंडली प्लीज स्पीक, बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट लेवल लीडर ऑफ गुजरांवाला। ये वाकई हैदरी साहब ने किया कि कासिम ने ज्वाइन किया? अब कोई बोलेगा तो सर पता चलेगा कि अच्छा। मेरा जबरदस्त, द ग्रेट लीडर सर, पहले मुझे जरा तारफ करवाने दे, अभी आपकी आवाज हमने सुन ली है, आवाज हमने सुन ली है सर, जरा सर जरा काइंडली होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। ये हमारे गुजरांवाला के बेहतरीन लीडर हैं, ये अरशद हुसैन हैदरी साहब, इनकी वजह से गुजरांवाला में बक्स कॉइन की जितनी पॉजिटिविटी फैली है, मैं कहता हूँ किसी शहर में नहीं, किसी वर्ल्ड के कोने में नहीं फैली, हत्ता के दुबई में भी नहीं। और ये फर्स्ट लेवल लीडर है हैदरी साहब की वजह से, तो हैदरी साहब को अप्स एंड डाउन्स वो काफी ज्यादा फेसिस करने पड़े, पर लेकिन जो अभी आप हैदरी साहब को सुनेगी हमारी सारी कम्युनिटी, आपको मजा आ जाएगा। जी ओवर टू हैदरी साहब। सर एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, जरा मुझे भी थोड़ा सा ऐड करने दे, मैं पहले सबको अनम्यूट कर लूं, क्योंकि हैदरी साहब जैसे लीडर जो है ना, वो उनको हाँ जी, हाँ जी। मजा आना चाहिए, जरा एक मिनट होल्ड कीजिए, मजा आना चाहिए, सबको अनम्यूट करें सर। जी मैं नहीं म्यूट कर रहा हूँ सबको, मैं सिर्फ हैदरी साहब को म्यूट करूंगा। और मैं सबसे पहले ये बता दूं हैदरी साहब कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन और शिदाई, और मुझे आपसे मिलने का इतना ज्यादा इश्तियाक है कि इस बात के गवाह कासिम भाई भी हैं और राणा यासर भी हैं। तो सर ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है आज, और खुशनसीबी है कि आप हमारे दरमियान हैं और आपने ज्वाइन कर लिया है हम जैसे खादमों के सेशन को। तो सर आप जरूर अपने जो है वो व्यूज को शेयर कीजिएगा। सर ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये तो आपकी जरा नवाजी है, और जो कामयाब लोगों की जो जो असूल होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा असूल ये होता है कि वो अपने आप को सबसे कमतर समझते हैं, वो समझते हैं कि सब मुझसे बेहतर हैं। और हकीकत भी यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें राणा यासर साहब माशाल्लाह हमारे बड़े ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, और ये भी हमेशा इन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट की। कासिम खुद जो है इसने इस पर बड़ा ब्लॉकचेन पे जो है ना, वो जब एजुकेशन शुरू की है तो उसमें, अब फिर हमारे एक सैयद मोहसिन रजा साहब हैं, तो ये लोग ऐसे थे जिनकी हमें सपोर्ट मिली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि हमने जब भी कोई काम हुआ इस तरह का कि ये चीज को ऐसे करना है या बदलना है किसी भी मामले में, तो इन्होंने बड़ी हमें सपोर्ट किया। बाकी यह है कि टीम जो होती है वो तो टीम के साथ ही होती है ना जी, और लीडर जो है वो तो एक तरह का खादिम होता है, वो सबको जो है ना वो समझे कि सर्विस दे रहा होता है। अब मकसद ये होता है कि आप हर वक्त हर दम पॉजिटिव रहें और कभी भी नाउम्मीद ना हो, आप हमेशा पुरउम्मीद रहें और गलत से भी आप अच्छा निकालने की कोशिश करें। और हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि हमें एक अच्छी कंपनी मिली, हमारे जो CEO साहब हैं, मैं बड़ा मुझे एतबार है एतमाद है कि वो एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंड आदमी है, और जिस तरह वो कभी नहीं घबराए। और अल्लाह ताला आसिफ नज़ीर साहब को वो खूब ना सेहत और तंदुरुस्ती दे, और उनको अल्लाह ताला कामयाबियां दे, वो बड़े पॉजिटिव माइंड थे।
उन्होंने भी अपने आप को हर हाल में खड़ा रखा। इशारत हसनैन साहब हमारे लीडर, उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं की और अल्लाह का शुक्र है कि ये चीजें हमने इन लोगों से सीखी और फिर हमने अपने आप को, और ये सब दोस्त जानते हैं कि वो जो क्राइसिस की बात करें, मैं तो क्राइसिस को कुछ नहीं समझता, ये तो मीठी मीठी चीजें होती हैं ये जो क्राइसिस आ जाते हैं, और इन पे जब आप वर्क करते हैं तो आपका अंदर से खुद भी मन जो है वो आपका खुश होता है कि आपने कोई मसला छोटा सा उठा था तो उसको जो है वो हल कर दिया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है। बाकी मेरा दिल कर रहा था कि मैं खामोशी के साथ चुप करके ना तो आप जैसे लीडरों की बात सुनूं और उससे कुछ अच्छा अच्छा जो है वो हजम कर लूं और फिर मैं बाकी टीमों को वो फिर चीजें जो है वो पहुंचा दूं। तो लेकिन आप लोगों ने बहरहाल मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया। अच्छा लगा आपके, आपका नाम हम बड़ा सुनते हैं, आपसे मुलाकात भी है, और लेकिन शायद जब आप मेरे सामने होंगे तो फिर आप पहचान लेंगे। तो कासिम मेरा बेटा है, ये राना यासर साहब हैं, राशिद खान साहब हैं, ये बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। यानी मेरी टीम में अगर कोई 600 लोग हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक दो निकाल के बाकी सारे बड़े अच्छे और बड़े पॉजिटिव हैं, और जो एक दो है अल्लाह ताला उनको भी इस सिस्टम से कामयाबियां दे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, हर चीज में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। हम जब पीछे नजर दौड़ाते हैं तो इस वक्त जो बिटकॉइन है, जो इस वक्त अपना अपनी वर्थ को वो उसने बनाया हुआ है इतना जबरदस्त, तो उसको भी टाइम लगा था, यानी कि 4 साल तो उसको भी लग गए थे। हम समझते हैं कि जो काम उसने किए थे हमारी कंपनी उससे कई दर्जा बेहतर कर रही है, और जैसे राणा यासर साहब MT4 की बात कर रहे थे, यानी सब चीजें आपको पता है माशाल्लाह, मुझे नहीं बताने की जरूरत। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाला दौर हमारा ही है। हमने एक नारा लगाया था जनवरी में कि 2020 का नारा है बक्स कॉइन हमारा है, बक्स कॉइन जो है ना वो इंशाल्लाह कामयाबियों की मनाजिल तय करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला वहां होता है जब लोगों को जल्दी होती है। तो मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक प्लॉट लिया है ना, फर्ज करें कि 10 लाख का प्लॉट एक लिया है और आपका दिल है कि ये जो है ना कि ये 40 लाख का बिके, तो फिर उसके लिए आपको जाहिर के वेट करना पड़ेगा, ये अगले दिन तो 10 का लेके 40 का नहीं होगा। इसी तरह ये जो हमारा बक्स कॉइन है ये अपनी वर्थ बना रहा है, अब इसने अपने जो पंजे गाड़े हैं वो जबरदस्त हैं, ये ऐसे कोई एकदम से हिलने वाला इंशाल्लाह कॉइन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो मोहसिन जमील साहब हैं या बाकी जितने भी लीडर हैं आप समेत, तो आप लोग बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अभी इसको थोड़ा सा तंग नजरी से देख भी रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में वो भी समझेंगे कि हमने ऐसे खाम खाम में थोड़े दिन ये जो क्रिएट किया था प्रॉब्लम, वरना वो लोग भी हैप्पी होंगे, दुआएं देंगे। हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं, सबके साथ है, और मैं समझता हूँ कि जो जो बातें आप करते हैं वो बहरहाल सुनने वाली भी होती हैं और उनसे बहुत कुछ हासिल भी होता है। तो राणा यासर साहब का शुक्रिया, इन्होंने जनाब आखिर मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया। तो मुलाकात सर करते हैं कोई इंशाल्लाह, जो जो लोग पॉसिबल है, ये इस ये जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कोरोना के हवाले से, तो ये जब ये मामला सब ठीक हो जाते हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे तो फिर आप तशरीफ लाए कभी गुजरांवाला में, तो आपकी एक तो हमें अच्छा लगेगा मेहमान नवाजी करते हुए, और दूसरा आपसे कुछ समझने की सीखने की हमें जो है ना टाइम मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच ना, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी कोई बात आप पूछना चाहें मुझसे बक्स कॉइन के हवाले से या मेरे अपने, तो मैं हाजिर हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया हरी साहब आपका। सर आपका बिन देखे मैं मुरीद हूँ, और ये इस बात को कहने की जरूरत नहीं है, बहुत से मेरे दोस्त और मेरे करीबी हलका जो है वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अरशद हुसैन हैदी जो है वो एक सिंबल है हमारे लिए, एक सक्सेस का, और उस बंदे ने जितनी एफर्ट्स की हैं वो आज तक बेलॉस की हैं, किसी लालच के लिए नहीं की। नेटवर्किंग लोग करते हैं, लालच में भी करते हैं और अपने पेट के लिए भी करते हैं, लेकिन आप वो वाहिद बंदे हैं जिसने किसी किस्म का कोई लालच नहीं किया, बल्कि मेरे जहाँ तक नॉलेज में अपनी जेब से आप लोगों को पैसे भी दिए, जिन्होंने नाजायज़ तौर पर जो है वो तंग भी किया या फ्रस्ट्रेशन थे या किसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या कोई इशू हुआ, तो सर ये जो है वो कभी भी नेटवर्कर या लालची बंदा नहीं कर सकता।
तो आप लोगों ने लोगों को ख्याल किया, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, समझना ना समझना सर उनके ऊपर बेस्ड है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं आपको जो है वो बिन देखे सर आपका मुरीद हूँ, तो लिहाजा मुझे उन मुरीदों में रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी सर आपसे, और मैं भी आपकी मेरी मलाइशिया मुलाकात हो चुकी हो, लेकिन ये कि मुझे उस वक्त मैं बिल्कुल नया था, 2 महीने हुए थे मुझे 3 महीने ज्वाइन किए हुए, तो वो तो जब जस्ट इंजॉयमेंट के लिए गए थे कि देखने के लिए कि क्या चीज़ है ये, लेकिन उसको देखने के बाद सर समझ में आया था। सितंबर 11 को हमारी वापसी हुई थी पाकिस्तान, और उसके बाद देखा था कि ये प्रोजेक्ट क्या है, और उसमें हम लोग अंदर डीप तक जाने की कोशिश की, और जो इन्वायरमेंट था सर आपको पता ही है कि नवंबर दिसंबर के बाद बना था, और इतनी नेगेटिविटी हो गई थी 2018 के एंड में कि 2019 जो है हमारा अक्टूबर नवंबर तक वो ऐसे गुजरा था कि लोगों से मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने तो गालियाँ भी खाई हैं, लोगों ने पर्सनल मुझे कॉल्स करके जो है वो फोन करके और मेरी धमकियाँ तक दी हैं, हालांकि मैं नेटवर्किंग नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और लेकिन ये है कि जो एक बिलीव लोगों का बना हुआ यारों दोस्तों का, तो उन्होंने मेरे कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि हम जब एक चीज को में पैसे लगाते हैं ना उसको समझना चाहते हैं। मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर हम कारोबार कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जैसे सर आपने बहुत अच्छी मिसाल दी प्लॉट की, लेकिन अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ किसी चीज़ का, मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट अपनी तैयार करता हूँ, उसको मार्केट में लेके आता हूँ, मार्केट में लाता हूँ, तो वो मेरी मर्जी के रेटों पर नहीं जाती, तो उसके ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं, उसके ऊपर लोग पॉजिटिव व्यूज भी देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार्केट में जगह बनाने के लिए टाइम लगता है। तो हमें जो है वो अपनी इस प्रोडक्ट को जो है वो टाइम देना चाहिए। अच्छी बुरी चीज़ें हर एक चीज़ में हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हम किसी नेगेटिविटी से सीखते हैं, जैसे कि मार्केट ने एकदम स्लो डाउन हुआ है मार्केट, तो लोगों ने उसे ये सीखा है कि जी बाइंग जो है वो क्या होती है और सेलिंग क्या होती है, किस वक्त पे बाइंग करना चाहिए और किस वक्त पे सेलिंग चाहिए, लेकिन ये है कि लोग कुछ जल्दबाज भी हैं, तो उनका हमें दुख समझ में आता है कि वो भी बेचारे परेशान हैं, लेकिन ये कि होप ये है कि यासर भाई वाली बात की, अगर हमने कुछ किया है, इन्वेस्ट किया है, तो हमें सब्र करना चाहिए, और अगर हम जब कुछ नहीं कर सके तो अब नेगेटिविटी करके या शोर मचा के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, काम वही है जो वक्त पर होना है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, मैं दूसरे दोस्तों को चांस दूंगा, मैं अनुरोध सबको कर रहा हूँ अगर कोई बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम जी। जी थैंक यू, सबको सलाम दीजिए जी। वालेकुम सलाम सर जी। आसिफ भाई बोले, अनम्यूट है आप। हैदरी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस हियर, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कासिम भाई भी सुन रहे हैं और हंस रहे हैं और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। अच्छा सर, कम्युनिटी के हवाले से बात करना चाहूंगा और कैश फिनिक्स के हवाले से थोड़ी सी टेक्निकल, हाँ तो जैसा मेरा ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू है, मे भी गलत भी हो सकता है, सारी कम्युनिटी ये हरफे आखर ना समझ लें जो मैं कह रहा हूँ यही कंपनी ने कहा है, जो मैं देख रहा हूँ क्योंकि ना कंपनीज के बिहेवियर को देखते हैं हम, अब हम कंपनी के बिहेवियर को देख रहे हैं और मार्केट के बिहेवियर को देख रहे हैं, कंपनी ट्रेडिंग की तरफ जा रही है। अब ये ट्रेडिंग कैसे, अब जी सारे कह रहे हैं कि कैश फिनिक्स से हमें तो क्वाइन दें, हम वहां पे जाके पी टू पी पे ले जाएं, और मैं आज बता देता हूं कि ये क्वाइन कम से कम जो कंपनी ने मार्केटिंग के जरिए सेल किया है, ये कम से कम ये जो हाल्डी नंबर है वो है 20 करोड़ का, 20 करोड़ क्वाइन जो है वो मार्केट ने सेल किए हैं मार्केटिंग के जरिए हमारी कंपनी ने। अब ये 20 करोड़ में से अगर ये 100 भी देते हैं, अगर ये कहते हैं कि हम कैश फिनिक्स से 100 क्वाइन लेके जाने देते हैं जाके पी टू पी पे सेल कर लें, और ये कितना क्वाइन बन जाएगा, तकरीबन 20 लाख बन जाएगा तो ये अगर कम्युनिटी हमारी 60,000 की है, 60,000 की कम्युनिटी को 100 क्वाइन भी देते हैं सेल करने के लिए, तो ये तकरीबन 60 लाख या 60 लाख क्वाइन बन जाता है सेल करने के लिए। आज की डेट में 60 लाख की 60 लाख का बायर ही नहीं है पी टू पी पे। पहले तो कम्युनिटी हमारी ये समझे कि अगर ये ठीक है 50 क्वाइंस भी देते हैं तो 30 लाख क्वाइन बन जाते हैं, ये अगर ये ठीक है 25 क्वाइन भी देते हैं तो कितने क्वाइन बन जाते हैं, हाँ तो 15 लाख क्वाइन बन जाते हैं। आप पी टू पी पे जाके ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक कर लें, ट्रेड वॉल्यूम चेक कर लें, अगर 5 BTC का वॉल्यूम है तो 5 BTC के वर्सेज ठीक है कितने क्वाइन है, 16,000 क्वाइन होते हैं, ये अगर 10 BTC का वॉल्यूम आ जाता है तो 40,000 क्वाइनों का, तो यही चल रहा है अभी 40,000 50,000 60,000 और तकरीबन हार्डली 1 लाख बक्स का ये रेट आ रहा है, तो वहां पे इतने ज्यादा बायर्स ही नहीं है कि जो कि 10 लाख एट ए टाइम हमारी सारी कम्युनिटी का बाय कर लें। अब कंपनी ये बाइंग मोमेंटम बना रही है, अब बाइंग मोमेंटम बनाते भी टाइम लगना है, अब ये हाँ तो ठीक है डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हाँ तो लिस्ट भी होने जा रही है, जैसे हाँ तो बाइनांस पे होगी वहां से भी वॉल्यूम मिलेगा,
और वो भी वॉल्यूम कहाँ पे शो होगा, सीएमसी पे। जैसे कंपनी ने कहा कि 100 बीटीसी का ठीक है डेली वॉल्यूम हो तो हम विड्रॉल का सोचेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त काम किया बीटीसी, हाँ तो कंपनी ने, क्यों? क्योंकि हमारे पास बायर होगा। अब देखें कि हाँ तो अब ठीक है कि आज दूसरी साइड पे ये अगर कंपनी हमें कहती है सारे कॉइन ले फिनिक्स से, सारे कॉइन आप ले जाएं पीटूपी पे, पीटूपी पे पहले तो बायर्स ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये कि कंपनी ने 2.5-3 साल से हम जैसी कम्युनिटी बनाई है, 60,000 ये अकाउंट्स हैं तकरीबन, नहीं 1.25 लाख कुछ तकरीबन अकाउंट्स हैं, ठीक हो गया, कॉइन के बिट्स लीव के कैश फिनिक्स के, और 60,000 की कम्युनिटी है। अब 60,000 की कम्युनिटी सारी कैश फिनिक्स में बैठी है कॉइन लेके, अगर ये कॉइन हमें अलाउ कर देते हैं कि सारे के सारे निकाल के पीटूपी पे ले जाएं, तो कैश फिनिक्स पे कौन रहेगा? अगर कैश फिनिक्स को ये रजिस्टर्ड भी करवा देते हैं सीएमसी पे जाके, तो कैश फिनिक्स में ट्रेडिंग कौन करेगा? ये भी तो कम्युनिटी को समझना चाहिए ना। अब कंपनी की भी कई मजबूरियां हैं जो वो हमें ठीक है खुल के बता देती है, कई चीजें खुल के नहीं बताती, तो कभी हमें डेट्स दे देती है तो कभी वो डेट्स पे फुलफिल नहीं करती। ये वैसे ही है कि हाँ, तो जिस तरह जी अर्शद भाई आपकी आवाज बंद हो गई बिल्कुल। जी हेलो, जी मेरा ख्याल राना यासिर की जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद इनकी आवाज भी नहीं आ रही और शायद लाइट का प्रॉब्लम होगा। हमारे यहाँ यही मुसीबत है, जैसे कोई तो काम की बात हो रही होती तो लाइट गायब हो जाती है। तो एनीवे थैंक यू राना यासिर साहब, बहुत अच्छी आपने जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मजबूरी थी कि लाइट में जो है वो शायद प्रॉब्लम कर दी है। शायद भाई आप अगर कोई बात करना चाहें, आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं, मेरे ख्याल आप फैमिली के साथ बैठे हैं, अगर कोई बात करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको माइक यूज कर दूं। जी शायद भी बोलिए। जी शाहिद भाई, बस अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया, थोड़ी सी बात सुन पाया था। देखिए हम लोग नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा ये है कि जो ये एलएमएम वाले जो थे जिन्होंने मार्केटिंग शुरू की, देखिए हर आदमी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहा होता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कर रहा होता है, लेकिन अब शुरू में जिस तरीके से बताया गया था इसमें, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कर लिए ना, अब उनके लिए सर्वाइवल तो एक एक होता है कि यार जैसे प्लॉट लिया बंदे ने, उसको पता है कि यार ये इसका रिजल्ट मैंने 5 साल के बाद देना है, तो उसके पास अपनी गुंजाइश होती है, वो अपने घर को लेकिन स्टार्ट में जो ये हुआ था 2017 में, उस वक्त जब ये जिस हिसाब से बताया गया था ना, तो अब ऐसे थे जो जिन्होंने अपनी टोटल जो उनकी सेविंग थी वो सब उसमें लगा दी थी, ये सोचे के यार, बस उस वक्त बताया था कि बहुत ज्यादा 6 महीने में जो है वो इसमें, अब इसमें दोनों की गलती है कि इन्वेस्टर्स ने भी मतलब ये भरोसा किया, और लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई हुई है वो उन लोगों को ही है कि जिन्होंने अपनी टोटल सेविंग उसमें लगा दी, और वो ये सोचते हुए कि यार हमें मतलब 6 महीने मतलब इस तरह की वो ग्राउंड बताया गया कि यार बहुत ज्यादा 6 महीने में आपकी कैपिटल तो रिकवर हो ही जाएगा ना, अब असल में ऐसे जो लोग उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखें मेरा बात करने का मकसद ये है, अभी देखें कंपनी ने अगर भागना होता या स्कैम होना होता तो वो तो फिर बहुत पहले हो जाती ना, हम ये नहीं कहते, लेकिन देखें जो लोग सुन रहे हैं उनमें से जो लोग अप्रोच रखते हैं हाईअप्स तक जाने की या उनसे डायरेक्ट फीडबैक देने की, सिर्फ एक ये है कि कम से कम अगर इन फ्यूचर जब भी विड्रॉल की तरफ या ट्रेडिंग का कुछ होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें उनके पास डेटा है सारा कि किन किन लोगों ने जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें किन किन लोगों को पैसे जो कुछ रिकवर कर, तो अब जिन जिन्होंने बिल्कुल जीरो पैनी भी जो है वो अभी तक नहीं, उनका थोड़ा सा अगर विड्रॉल के हिसाब से या ट्रेडिंग में जब वो उसमें अगर थोड़ा सा ये डेटा के हिसाब से ये अगर फीडबैक दे दें आगे जो भी इनमें से कोई अगर सुन रहा है
और जो अप्रोच सक्सेस फीडबैक के तौर पे गया, जिन लोगों ने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं की या इनको किसी भी उसमें एक रुपया भी नहीं मिला, उनको थोड़ा सा जो उनका कोटा है वो बढ़ा दिया जाए, बस ये रिक्वेस्ट है। और मैं मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जो लोग ये समझते हैं, जिन लोगों ने ये सोच के किया था कि ये बता के जिनको बताया गया था कि यार बहुत ज्यादा अच्छी है आपका एक्चुअल वो हो जाएगा, तो बस ये फीडबैक मैं देना चाहूंगा जी। शायद भाई मैं इस बात पे आपको दोबारा से कहूंगा, आपको मैंने पहले भी एक दफा डिटेल बता चुका हूँ, हमारे पास सबसे पहले तो मैं सबके दोस्तों को बता दूंगा 5 मिनट से रह गए, ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, तो इस 5 मिनट के अंदर ही हमें इसको कंक्लूड करना है। देखिए शायद भाई हर नेटवर्कर एक जैसा नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी बकरे के चक्कर में अपनी बोटी के एक चक्कर में हमारा बकरा सिफा किया। मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैं कंपनी का कोई लीडर या पेड एम्प्लॉय या किसी किस्म का एजेंट या नेटवर्कर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हर नेटवर्कर के एक जैसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने, मैं ये अरशद हुसैन हैदरी साहब को आप सुन रहे थे, गुजरांवाला से हैं और ये बहुत बड़ी टीम के साथ और इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम, नेटवर्कर हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी के साथ नाजायज नहीं किया, ना इन्होंने कभी गलत बयानी की, इन्होंने ओपन बात की और किसी को समझ आई तो ठीक है, किसी को नहीं समझ आई तो ये उसकी मर्जी थी। लेकिन ये कि हर इंसान ने जो है वो अपने अपने लेवल के हिसाब से काम किया है और अपने अपने हिसाब से जो है लोगों को गाइड करने की या उनको कोई अच्छी तरफ लाने की कोशिश की है, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जी हर बंदे ने ऐसे किया, लेकिन ये कि आपकी या हमारी बात, अब मेरा अपना जो अपना इलाका है ना जाती, जिसकी ट्री के नीचे मेरा अकाउंट लगा हुआ है, वो खुद गायब है, मिलता है मुझसे डेली तकरीबन, मेरे वो उस्ताद भी हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन क्या है कि वो, लेकिन वो क्या है कि मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, अलग हो गए जी जी देखिए हमारे हमारे जो जो टीम के जो जो अपलाइन वाले थे, मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो ठीक है, लेकिन नहीं मेरा, मैं अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आगे की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की हो जाए कि जिन लोगों ने बिल्कुल ही बिगिनिंग से लेके अभी तक एक सेंट्स का भी एक यूरो का भी जो है ट्रेडिंग नहीं करी या उनको कुछ भी नहीं मिला ना, तो अब जब ये रिलीजिंग की तरफ जाते हैं या विड्रॉल की तरफ जाते हैं तो डेटा को कलेक्ट करके, मतलब डेटा के देखते हुए वो उसको उसकी लिमिट्स जो है वो थोड़ी सी, मतलब अगर रखे उन लोगों को कि जिन लोगों ने बिल्कुल ही कुछ भी रिकवर नहीं किया। आपने शायद भाई आसिफ नजीर का लास्ट वेबिनार है, अगर वो नहीं सुना तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक उस वेबिनार के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट होगा या ट्रेडिंग स्टार्ट होगी या कोई बेनिफिट कंपनी देने जाएगी तो सबसे पहले उन लोगों को देगी जिनको कुछ नहीं मिला, लीडर्स या नेटवर्कर्स या अपलाइनर जो है वो सबसे एंड में उनका नंबर आएगा। तो इस बात का भी यकीन रखिए कि जैसे ही कोई ऐसा सिस्टम शुरू होता है तो सबसे पहले बेनिफिट उनको मिलेगा जिनको कुछ नहीं मिला था, और ये उनके लिए कोई एहसान नहीं होगा, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा कि वो अच्छे टाइम से ले सकेंगे। हमारे पास सिर्फ टाइम शॉर्ट है, यासर भाई आपका आप बात कीजिए, जो करनी है उसके बाद इसको खत्म करते हैं। यासर भाई बात कीजिए, आपके बच्चों की आवाजें आ रही हैं, आपकी नहीं है। जी जी सर, जी सर बोलिए। और मेरा जरा डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन मेरी। हाँ जी वो सॉरी फॉर दैट, मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने जो है वो आपको दोबारा से किया था, मैंने कहा आप आ जाएंगे तो जरा बात हो जाएगी, जो आप बात करना चाहते जी। मैंने भी वही कहना था जिस तरह ये भाई ने कहा कि थोड़ी सी लिमिट, भाई जान मैंने हाँ ये आपको जैसे कहा कि थोड़ी सी लिमिट भी छोड़ती है, आगे बाइंग कैपेसिटी नहीं है या आउटर में बाइंग कैपेसिटी फिलहाल नहीं है, कम्युनिटी को यही चीज समझनी चाहिए, यानी कंपनी को हम बार बार ब्लेम नहीं करें ये चीज के लिए। अगर हमें ये हाँ तो ठीक है 25-25 कॉइन छोड़ती है, आप जैसे कह रहे हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा विड्रॉल दे, तो विड्रॉल कैसे मिलेगा कॉइन रिलीज करके, कॉइन हाँ तो ठीक है तब रिलीज होंगे जब आगे बाइंग कैपेसिटी बनी होगी, तो मे बी कंपनी को ये 3-4 माह लग जाए ये बाइंग कैपेसिटी बनाने के लिए। जिस दिन ये बाइंग कैपेसिटी बन गई, बाइनांस पे रजिस्टर्ड हो गया, हाँ तो लिस्ट भी हो गया और कैश फिनिक्स भी चल पड़ी, ये ऑटोमेटिकली बाइंग कैपेसिटी बन जाएगी, फिर कंपनी थोड़ा नहीं देगी, कंपनी ज्यादा देगी सेल करने के लिए। तो यही वजह है कि हमें वेट करना चाहिए। और बाकी मैं आपको ये तो ठीक है टाइम थोड़ा नहीं तो मैं आपको समझाता फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कॉइनों का हाल शॉर्ट में बता देता हूँ, चले ठीक है टाइम खत्म हो गया तो समझ जाइएगा। फर्स्ट जनरेशन कॉइन था बीटीसी, बीटीसी की पहली हाविंग आई 2013 में, 2009-10 में रजिस्टर्ड हुआ आया मार्केट में और 2013 में इसकी फर्स्ट जनरेशन आई और फर्स्ट हाविंग आई, सॉरी फर्स्ट जनरेशन क्वाइन की फर्स्ट हाविंग का रेट देखें बीटीसी का कहां पे है, तकरीबन ये $1,100-1,200 पे गया था फर्स्ट हाविंग पे, और जब ये रजिस्टर्ड हुआ था तो सेंटो में था 2009 में, फर्स्ट हाविंग पे फर्स्ट जनरेशन का क्वाइन बीटीसी $1,100-1,200 गया।
आगे आ जाए इथेरियम। हाँ इथेरियम सेकंड जनरेशन का कॉइन। मैं आपको टोकूंगा, वो जब हाल्विंग पे कितने रेट पे गया था तो उस वक्त आप ये ध्यान में रखें मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल नहीं था और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बीटीसी था। यूटिलिटीज काम कर रही होंगी तो कंपनी ने वो भी बना दी है। अब वो सारी चालू नहीं है कंपनी ये, हाँ तो ये साल में 2020 के तकरीबन 4-5 माह में ये सारी जो है सारी तो नहीं चले, 50% यूटिलिटीज भी चल पड़ी तो हमारा कॉइन वहां पे सर्वाइव भी बहुत शुक्रिया सर सबके ज्वाइन करने का। थैंक यू फॉर द कम्युनिटी, थैंक यू फॉर शानी भाई, अल्लाह हाफिज़।